मैक्सिमम डिस्काउंट दिसंबर में मिलेगा या जनवरी में मिलेगा, ये कन्फ्यूजन हर किसी के माइंड में रहती है जैसे ही साल का एंड आता है। और इस बार तो BS4 और BS6 का जो झगड़ा है वो भी पिछले 2-3 महीनों से लगातार चलता आ रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स का, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन था कि हमें BS4 गाड़ी परचेज करनी चाहिए या BS6 गाड़ी परचेज करनी चाहिए, दिसंबर में परचेज करनी चाहिए या जनवरी में परचेज करनी चाहिए, तो किस कार पे किस महीने में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ये मेरे सारे फ्रेंड्स का एक क्वेश्चन था। तो ज़्यादातर यूं कंडीशंस होती हैं कि दिसंबर में हर कंपनी का यही एम होता है कि मैक्सिमम्स जो सेल्स हैं वो किसी भी कार की, किसी भी गाड़ी की जाएं और मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही ऑर्डर दे दिए थे कि BS6 2020 में अप्लाई हो जाएगा। बहुत सारी कार कंपनीज का यही एम था कि वो अपनी प्रोडक्शन बंद करके, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो गाड़ियां जो कि BS4 स्टैंडर्ड पे बन रही थी उनकी प्रोडक्शन को बंद करके अपनी वही गाड़ियां बेचे जो कि ऑलरेडी प्रोडक्शन में हैं और जो ऑलरेडी बन चुकी हैं। पिछले 3-4 महीने से बहुत सारी कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन को बंद किया और यही प्लानिंग की कि अपने जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उसी को क्लियर किया जाए, लेकिन ये चीज़ हर किसी कंपनी के लिए एग्जैक्टली वैसे काम नहीं की जैसे कि उन्होंने सोचा था। तो अभी हालात ऐसे बन गए हैं कि दिसंबर में आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो हो सकता है आपको डिस्काउंट्स मिले, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। उसका कारण ये है कि कंपनीज का अभी फोकस है वो इस तरीके से चल रहा है कि कस्टमर्स को किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट किया जाए और अपनी जो मैक्सिमम स्टॉक्स हैं उसको क्लियर किया जाए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मार्च 31 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ जो कि BS4 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हैं उनका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो गाड़ियाँ किसी भी कंपनी की चाहे हों वो कंपनी के लिए एकदम से बेकार हो जाएंगी। तो कंपनीज का फोकस यही रहेगा कि वो आपको, कस्टमर्स को इसी साल में या जनवरी या फरवरी में गाड़ी किसी ना किसी तरह किसी कस्टमर को वो बेच डालें। लेकिन अब होगा यहाँ पे यूं कि अगर दिसंबर में कंपनीज का स्टॉक क्लियर हो जाता है तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर स्टॉक्स अटक जाते हैं, अगर कस्टमर थोड़ा अभी पॉज लगा लें अपनी परचेजिंग पे, तो जनवरी और फरवरी तक ये स्टॉक्स लटकते चले जाएंगे। अब कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके स्टॉक्स लटकें और उसको किसी तरह का नुकसान हो। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं इस टाइम जिनके पास स्टॉक्स नहीं हैं, उनमें सबसे पहला नंबर आता है टोयोटा का। टोयोटा ने अपनी स्ट्रेटजी काफ़ी सोच समझ के चली पिछले 3-4 महीनों में। उन्होंने अपने स्टॉक्स को पहले से ही सेल करना शुरू कर दिया और अपनी प्रोडक्शन को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बंद भी किया। अब इस टाइम हालात ये है कि अगर आप टोयोटा के शोरूम में जाते हो तो हो सकता है कि आप जो गाड़ी खरीदने जा रहे हो वो आपको ना मिले। इसमें अगर यारिस कोई खरीदने जा रहा है तो वो उसको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर या उनकी जो ETOs है उनकी दोनों गाड़ियों में से अगर कोई परचेज करने जाते हो तो शायद आपको गाड़ी ना मिले। ऐसा सिनेरियो मारुति के साथ भी था, लेकिन मारुति को, जो कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार कंपनी है, तो उसका जो स्ट्रेटजी था वो कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने पहले से सोचा था कि नवंबर और दिसंबर में हम इतने स्टॉक्स बेचते हैं, इतने यूनिट्स बेचते हैं, तो हम इजीली 3-4 महीनों में अपने स्टॉक क्लियर कर लेंगे। पर हालात अब कुछ ऐसे बन गए हैं कि मारुति उतना सेल्स पिछले बीते महीनों में नहीं कर पाई। अगर दिसंबर, जो कि मंथ अभी चल रहा है, अगर मारुति के काफ़ी सारे यूनिट्स बिक जाते हैं तो दिसंबर फरवरी में उसके पास बहुत कम यूनिट रह जाएंगे बिकने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी के पास अभी भी काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि वो बेचने की कोशिश करेगी, इसीलिए शायद ब्रेज़ा पे
फिलहाल की बात कर रहा हूँ, हमारे पंजाब में इजली 80,000 to 90,000 डिस्काउंट इंक्लूडिंग एवरीथिंग डिस्काउंट मिल रहा है। ये वही गाड़ी है फ्रेंड्स जिस पे मारुति किसी टाइम 10,000 डिस्काउंट भी नहीं देती थी। क्यों ऐसा हो रहा है वो सबको पता है कि BS4 अब बंद हो रहे हैं और BS6 आने वाला है और मारुति के पास कोई अपना ऐसा डीजल इंजन है भी नहीं जो कि BS6 के अकॉर्डिंगली फिट बैठ पाए और ना ही वो अपना अभी तक फिलहाल कोई इंजन बना पाई है। तो यहाँ पे मेरी रेकमेंडेशन मेरे सारे फ्रेंड्स को यही है कि अगर आप गाड़ी परचेज करना चाहते हो तो आप फिलहाल दिसंबर में रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो। लेकिन ये होगा बिल्कुल एकदम से वैसे जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मिनट या नेक्स्ट आवर में क्या होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे भी आइडिया काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन ही है, क्योंकि अगर तो स्टॉक्स क्लियर हो जाते हैं कंपनीज के तो आपको फिलहाल जितना डिस्काउंट मिल रहा है वही मिलेगा। जनवरी फरवरी में आपको डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस कंपनी के लिए आपको वेट करनी चाहिए और किस कंपनी के लिए वेट नहीं करनी चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं पहले मारुति से। अगर आप चाहते हो कि मारुति की गाड़ी परचेज करना तो अभी आप फिलहाल दिसंबर में अगर ब्रेजा परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, इजीली आपको डिस्काउंट मिल रहा है। स्विफ्ट पे आपको ज्यादा डिस्काउंट अभी नहीं मिल रहा, ये कोई नियर अबाउट 40,000 to 60,000 मिल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से स्विफ्ट के भी काफी सारे यूनिट्स बच जाएंगे, जनवरी में ये परचेज करने का एक अच्छा ऑप्शन है। इग्निस पे आपको काफी सारे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे जो कि नेक्स्ट मंथ और फरवरी में भी आपको ये गाड़ी मिल सकती है अच्छे डिस्काउंट्स पे। इसके अलावा मारुति की ही जो सैलरियो है उस पे भी आपको ढेरों सारे जो डिस्काउंट्स है वो मिल सकते हैं। अगर बात करूं टोयोटा की, अगर आप चाह रहे हैं कि टोयोटा की कोई कार परचेज करना चाहते हैं सिर्फ यारिस को छोड़ के, तो आप फटाफट जो भी कार आपको मिल रही है दिसंबर में परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको अब दिसंबर के बाद जितनी भी टोयोटा कार्स होंगी स्पेशली डीजल में या छोटी गाड़ियां, अगर पेट्रोल की भी बात करें, जितनी भी गाड़ियां आएंगी वो BS6 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही होंगी और उसके प्राइस बढ़े हुए ही मिलेंगे। और BS4 की जितनी भी गाड़ियां अब बच चुकी हैं स्टॉक्स में वही आपको अवेलेबल होंगी। उसके अलावा पीछे से कंपनी कोई भी कार नहीं मैन्युफैक्चर करके भेज रही, आपको जो गाड़ी मिलती है जितने डिस्काउंट में मिलती है आप उठा लें, तो यही एक समझदारी का ऑप्शन होगा। अगर बात करूं फोर्ड की, तो फोर्ड जैसे कि हम पंजाब का सिनेरियो देखें, बाहर के स्टेट्स का अलग अलग सिनेरियो है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी स्टेट का सिनेरियो देख सकते हैं। जिस स्टेट में फोर्ड के काफी अच्छा स्टेटस है वहां पे आपको जनवरी में हो सकता है थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, या फेब तक अगर उनके स्टॉक्स रहते हैं तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जैसे हम पंजाब की बात करें तो फोर्ड के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपको दिसंबर में गाड़ी परचेज कर रहे हो फिलहाल इसी मंथ में तो ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर कंपनी के स्टॉक्स रहते हैं तो जनवरी फरवरी में आपकी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि कंपनी चाहेगी कि सारे स्टॉक्स और यूनिट्स को क्लियर किया जाए। मेरे कहने का मतलब है कि जनवरी फरवरी में फोर्ड की गाड़ी खरीदना एक समझदारी का ऑप्शन होगा। रहती है फॉक्सवैगन ने ऑलरेडी डिस्काउंट्स की झड़ी लगा दी है, उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। एमियो डीजल 6 लाख से शुरू हो रही है बेस वेरियंट, और जो कि आपको 6.70 के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगी। माई डियर फ्रेंड्स, कौन सी सेडान आपको इतने प्राइस में मिलती है, वो भी डीजल। और इसके अलावा नियर अबाउट 1 लाख प्लस पोलो पे भी डिस्काउंट चल रहा है, फॉक्स वैगन पे काफी ऑलरेडी डिस्काउंट अच्छा चल रहा है, क्योंकि BS4 वो भी पूरी तरह से बंद कर रहे हैं क्योंकि BS6 इंजन लाना ही पड़ेगा अब तो। और भाई साहब अपनी देश की कंपनी की बात करें टाटा, तो टाटा की गाड़ियों पे भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, और टाटा की भी स्ट्रेटेजी जो काफी सिस्टमेटिक थी, उनके भी यूनिट्स लिमिटेड ही स्टॉक्स में है, तो वो भी अगर जनवरी तक रहते हैं तो आपको डिस्काउंट्स में अच्छे खासे वो मिल सकते हैं। अगर मैं एट द एंड कहूं तो मारुति की ही गाड़ियां सबसे ज्यादा बचने वाली हैं और सबसे ज्यादा डिस्काउंट एट लास्ट आपको मारुति पे ही मिलेगा, चाहे वो कोई भी गाड़ी बच जाए। जनवरी फरवरी में वो लोग जो मारुति के चाहने वाले हैं उनके लिए लॉटरीज लगने वाली हैं, तो हो जाइए तैयार। अगर आप गाड़ी परचेज करना चाहते हो तो फिलहाल मेरे ख्याल से तो दिसंबर में रुकना चाहिए,
जनवरी या फरवरी में ही परचेज करनी चाहिए, क्योंकि BS4 परचेज करने से कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BS6 आने से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं और इनिशियल स्टेजेस में ईयर के स्टार्ट में आपको इतने ज्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे भी नहीं, अगर मिलेंगे भी तो इस टाइम के हिसाब से वो डिस्काउंट्स बहुत कम होंगे क्योंकि प्राइस भी ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी। और अगर Hyundai की बात करूं तो Hyundai पे आपको i20 पे फिलहाल भी डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है, i10 ग्रैंड पे भी मिल रहा है और जो बाकी सेंट्रो है उन पे भी डिस्काउंट्स आ रहे हैं। i20 फेब में मेरे ख्याल से नहीं आने वाली है, तो जनवरी में अगर स्टॉक्स रहते हैं i20 के तो उसपे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। पर i20 के स्टॉक्स जैसे कि वो टॉप 10 सेलिंग कार्स में आती है तो उसके स्टॉक्स कम ही रहने के चांसेस हैं, तो आप दिसंबर एंड में अगर जनवरी के स्टार्ट में मिलती है i20 तो आप परचेज कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट पे जाते जाते मैं बस यही कहूंगा कि गाड़ी खरीदनी है तो कोई भी खरीदिए, इस साल धमाके तो खूब होने वाले हैं, डिस्काउंट्स खूब मिलने वाले हैं और लॉटरीज भी काफी लगने वाली हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी इस साल अपना एक सिंगल यूनिट भी पेंडिंग नहीं रखना चाहेगी। तो जी हो जाइए तैयार इन डिस्काउंट्स को ग्रैब करने के लिए, लेकिन ये डिस्काउंट्स सिर्फ कुछ लिमिटेड कंपनीज में ही मिलेंगे, हर कंपनी पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि कुछ कंपनीज ऑलरेडी अपना स्टॉक क्लियर ऑलमोस्ट कर चुकी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी ही वीडियोज़ और इससे भी बढ़िया वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।